गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठहर में। जैसे कि आपको पता है कि हम रोज़ एक बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी आपको किताब से पढ़ाते हैं और आप वैसे भी आपको समझाते हैं जैसे कि समझा रहे हैं। तो अभी तक आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठहर, और जिससे कि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें, समय पर मिलती रहें। इसको शेयर भी करना ना भूलिएगा बच्चों। लेकिन हमने हर वीडियो हम कहते हैं कि अगर आपको इसमें कोई अच्छी बात लगी, आपको वीडियो कैसी लगी, इसको सुनकर या पढ़कर कैसा लगा, हमारे पढ़ाने का ढंग कैसा लगा, या आपको इसमें कोई कमी है, कुछ और भी पूछना है इससे संबंधित, तो आज जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मेरे बच्चों, आपको हमें आपके कमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं ठीक से, जिससे कि हमारा हौसला और बढ़ जाए। तो आपसे एक बार फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रूर कमेंट लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्या चाहिए, मतलब किस तरह की वीडियोस आप ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो हम सिलेबस से संबंधित डाल रहे हैं, जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं, विद्यालय में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वही हम किताबें पढ़ा रहे हैं। और हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पर कंपटीशन लेवल की पढ़ाई भी स्टार्ट होने वाली है। इंग्लिश का तो चल ही रहा है, इंग्लिश भाई राजीव प्रजापति चैनल है एक, और उस पर आप जाके सर्च कर सकते हैं और कंपटीशन लेवल की इंग्लिश पढ़ सकते हैं। माननीय राज सर जी आपको इस चैनल पर पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाएंगे, और भी टीचर आपको मैथ है और केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट कंपटीशन में जो आते हैं, रीजनिंग वगैरह, वो सब आपको पढ़ाए जाएंगे। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, इससे आपको इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए अब एक और कहानी हम आपको आज पढ़ाएंगे बच्चों। सोच समझ कर बोलो, पाठ का नाम है सोच समझ कर बोलो। बहुत ही सुंदर कहानी, ये तो आम बात है, ये तो हमारे समाज के स्तर की बात है, हमारे परिवार के स्तर की बात है। वास्तव में सोच समझ कर बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं कहते नहीं हैं कि मीठी वाड़ी सबको अपना कर लेती है। अगर आपके अंदर बोलने की मिठास है, बोलने का लहजा है, बोलने का तजुर्बा है, तो कोई व्यक्ति आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा, आपका काम करवाने के लिए तैयार हो जाएगा, आपका अपना बन जाएगा, है ना। अब देखो कोयल की बोली कितना पसंद करते हैं सुनना, तोते की बोली सुनना कितना पसंद करते हैं, कौवे की कोई क्यों पसंद नहीं करता कोई, है ना, क्योंकि उसकी बोली कर्कश है। तो कहीं ना कहीं हमें बोली में मिठास होनी चाहिए, और हमें यह सीखना चाहिए कि किसके सामने कैसा बोलना है और किसके लिए कैसा बोलना है। कुछ बच्चों में अभी भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं बोलने की जो कला है, बोलने की जो कह सकते हैं तहजीब है, उसमें कहीं ना कहीं अभाव है, कमी है कहीं ना कहीं। हम ये बच्चों को नहीं सिखाया जाता कहीं कहीं कि बच्चों बड़ों के नाम के आगे क्या लगाना चाहिए, ज़्यादा हमसे बड़े लोग बैठे हैं, हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, तो उनके सामने कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, घर में कैसे बोलना चाहिए, स्कूल में कैसे बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं इसकी कहीं ना कहीं कुछ कुछ बच्चों में कमी देखने को नज़र आती है देखने में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको कैसे बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ पर किस तरह से बोलना है। और वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जिसको बोलने की तहमीज है, बोलने की कला आती है। भले आप कितने ही पढ़े लिखे हो, कितने भी ब्रिलियंट हो, मैथ में कितने ब्रिलियंट, फिजिक्स में कितने ब्रिलियंट, इंग्लिश में कितने फराड़दार इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन आपको अगर ये नहीं पता कि यहाँ पर मुझे ऐसे बोलना है, वहाँ पर मुझे ऐसे बोलना चाहिए, तो बच्चों पढ़ना लिखना बेकार है। कुछ लोग होते हैं बहुत विद्वान होते हैं, अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत माइंडेड होते हैं, लेकिन जब चार आदमी बैठे हैं, उनके बड़े बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, तो उन्हें यह नहीं पता होता हमें क्या बोलना चाहिए। अनाप शनाप बोल देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो काय की पढ़ाई लिखाई, बेकार है सब। तो शिक्षा और पढ़ाई हमें सिखाती है, विद्यालय हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कहाँ पर किस लहजे बोलना चाहिए। तो आज इस चैप्टर में हम इसी विषय पर बात करेंगे, आपको पढ़ाएंगे कि सोच समझ कर बोलिए, तो कितना बोलिए, कैसे बोलिए, चलिए पढ़ते हैं किताब। चलिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत कर लेते हैं अपने चैनल आर पब्लिक स्कूल में। जैसे कि हम आपको अभी पढ़ा रहे थे कि जरा सोच समझ के बोलिए, मतलब आपसे कह नहीं रहा हूँ, एक समझा रहा हूँ, किताब मैंने बढ़ाई दी आपको, अभी चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, ये वाली बुक, इसमें है कि सोच समझ कर बोलो। मैं बता रहा था कि बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बोलने की तहजीब नहीं होती है, तो उनका पढ़ा लिखना बेकार है। ऐसे हम सबको अपने बच्चों को बोलने की कला, बोलने का ढंग, बोलने का लहजा, ये सब सिखाना चाहिए। सारे जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, जहाँ भी पढ़ा रहे हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को, अपने घर के बच्चों को, जो हमारे आसपास के छोटे बच्चे हैं, उनको ठीक से बोलना हम ही सिखाएंगे, बाहर का तो कोई आएगा नहीं। लेकिन वो बच्चा क्या है, बच्चा एक तरह से बंदर होता है, नकल करना ज़्यादा सीखता है, इसलिए टीचर जो होते हैं वो एक आईना होते हैं, वो जैसे होंगे
बच्चे को उसमें वैसा ही नज़र आएगा। यानी कि सबसे पहले हमें खुद सीखना है कि हमें कैसे बोलना है बच्चों के सामने, बड़ों के सामने, छोटों के सामने। तो बच्चा जब हमें बोलते हुए देखेगा, सुनेगा, वो ऑटोमेटिक वैसा ही सीख जाएगा, उसको कुछ अलग से समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, आइए अब पढ़ लेते हैं चैप्टर जो हम आपको बता रहे थे इसके बारे में। क्लास थर्ड की बुक है ये, स्काईलाइन बुक हिंदी स्तर भी। अब इसका चैप्टर जो हम बता रहे थे कि सोच समझकर बोलो, तो ये चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर 4, सोच समझकर बोलो। बहुत ही अच्छी कहानी है, देखिए ये चित्र दिख रहा होगा आपको, अध्यापक साहब पढ़ा रहे हैं बच्चों के लिए। चलिए कोई नहीं, शुरू करते हैं कहानी, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। देखो लिखा है, बचपन सीखने का काल है। काल माने समय, यानी जो हम बचपन में सीख लेते हैं वो हमें ज़िंदगी भर काम आता है। लेकिन कुछ बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते और अपना बचपन ऐसे ही चपरे में गुजार देते हैं। चपरे का मतलब ऐसे खेल कूद में, मौज मस्ती में गुजार देते हैं, पतंग उड़ाने में, कंचे खेलने में, गुल्ली डंडा खेलने में, मोबाइल में वीडियो देखने में, या फिर वीडियो गेम खेलने में गुजार देते हैं। बच्चों ये बहुत मूल्यवान समय है, इनको ऐसे ही मत गंवाइए, कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। इस समय जो बातें सीख ली जाती हैं वे जीवन भर काम आती हैं। अच्छी बोलचाल भी बचपन में ही सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी हमने सीख ली तो बड़े होने तक, बुढ़ापे तक हमारे, क्योंकि दिमाग वो हमारी आदत में आ जाता ना, तो वो हमेशा जो आदत बन जाती है जल्दी छूटती नहीं है। तो चाहे बोलने की आदत हो, रहन सहन की आदत हो, खान पान की आदत हो, कैसे भी हो, वो हमें बचपन में सुधार लेनी चाहिए। अभी कल की ही बात है, अध्यापक साहब दुख सुना रहे इस कहानी में कि अभी कल की ही बात है, अध्यापक महोदय ने कक्षा में दिनेश से पूछा, दिनेश तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? अब दिनेश से पूछा कि पिताजी का क्या नाम है, दिनेश ने उत्तर दिया रामेश्वर। अब देखो सीधे उत्तर दे दिया रामेश्वर। अब जब ऐसा कहा तो अध्यापक साहब को गुस्सा आ गया। अध्यापक क्रोधित होकर बोले, क्रोध माने गुस्से में आकर बोले, तुम दस वर्ष के हो गए हो, तुम्हें अभी तक बोलना नहीं आया। अध्यापक की बात सुनकर दिनेश की आंखों में आंसू भर आए, बेचारे ने डांट दिया तो बेचारा उदास हो गया। तब उसे किसी तरह शांत करके अध्यापक कक्षा के सब बच्चों से कहने लगे, बच्चों अभी तुमने दिनेश को बोलते सुना, राहुल तुम बताओ। देखिए कक्षा की बात हो रही है, ये अध्यापक पूछ रहे हैं, राहुल तुम बताओ इसके बोलने में क्या कमी रही। अब राहुल ने झट से खड़े होकर उत्तर दिया, श्रीमान जी यानी कि सर, दिनेश ने अपने पिताजी के नाम से पहले श्री नहीं लगाया। अब देखो बच्चों, हमें सीख लेना चाहिए कि हम जो किसी बड़े का नाम लेते हैं, चाहे बड़ा भाई हो, हमारे ताऊ हो, चाचा हो, पिता हो, है ना, कोई भी हो, तो उनके नाम से पहले हमें श्री लगाना चाहिए। तो अध्यापक ने राहुल को देखो कहा, शाबाश शाबाश बेटे, तुमने ठीक उत्तर दिया, आज हम तुम्हें अच्छी बोलचाल के बारे में बताएंगे। अध्यापक बता रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, देखिए आज हम बोलचाल के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनो। अध्यापक महोदय ने सबको समझाया, बच्चों ध्यान से सुनो, हम आपको आज अच्छी बोलचाल के बारे में बताने वाले हैं। तो अध्यापक साहब कह रहे हैं, देखो अपने से बड़ों के नाम से पहले आदर सूचक शब्द अवश्य जोड़ने चाहिए। आदर सूचक जैसे कि श्री है, श्रीमान जी है, इस तरह से हमें जो सम्मान सूचक शब्द हैं उनको जोड़ लेना चाहिए। और देखो बहुत अच्छी बात इस चैप्टर में बता रहे हैं अध्यापक जी, और कह रहे हैं कि बड़ों को आप कहकर बोलो। कुछ बच्चे कहते हैं तुम, या कभी कभी तू भी कह देते हैं कहीं कहीं, तो ये अच्छा नहीं है, आप कहकर हमें बोलना चाहिए। हाँ ना कहकर हाँ जी कहिए। कभी बच्चे कहते हैं हाँ 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 ठीक है, हाँ हाँ नहीं, हाँ जी नहीं जी, है ना, और नाम के आगे जी लगा दो तो और भी बढ़िया हो जाएगा। नहीं कहना सभ्यता है, नहीं जी या जी नहीं बोलिए, खाली नहीं मत बोलिए, जी नहीं सर, नहीं जी सर, ऐसे बोलना चाहिए, है ना, ऐसे मिठास आ जाती है, बोलने में तहजीब आ जाती है, तो सामने वाला आपसे बहुत ही इम्प्रेस होगा, प्रभावित होगा। देखो किसी को चुभने वाली बात कहना किसी को यानी बुरी लगती है। अब हमें भी वो बात बुरी लग रही है, मान लो कोई आपसे कुछ कह रहा है आपको वो बात बुरी लगी, आप दूसरे से बोलेंगे तो आपको समझ सकते हैं, जो बात हमें बुरी लग रही है तो दूसरे को भी बुरी लग सकती है। तो किसी को चुभने वाली बात या किसी को निंदा करना उचित नहीं है, निंदा करना बुराई करना। अपनी प्रशंसा करते रहना भी अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग अपनी बुराई करते हैं, मैं ऐसा मैं वैसा, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ, मुझे ये आता है वो आता है, तो ये बात भी अच्छी नहीं होती है। सदा सत्य बोलिए, झूठ से बचिए। ऐसा कड़वा सत्य कभी मत बोलो जो दूसरों को बुरा लगे, है ना, कभी होती बात सच्ची है लेकिन बात दूसरों को बुरी लगने वाली है तो हमें वहाँ पर वो सच नहीं बोलना चाहिए या बोलना ही नहीं चाहिए वहाँ पर। अगर आपको कुछ कहना भी चाह रहा मत कहो।
और कहना है तो उस बात को घुमा के कहिए, इससे उसको बुरा ना लगे। अधिक बोलना भी ठीक नहीं है। कुछ बच्चे बहुत फालतू बोलते रहते हैं, बड़े लोग बैठे हैं अनाथना बोले पड़े हैं, ये भी ठीक नहीं है। निरर्थक बातचीत करने में अपना और दूसरों का मूल्यवान समय नष्ट मत करो। कुछ लोग बेफजूल की बातें करते हैं इधर की, खुद भी अपना टाइम खराब कर रहे हैं और दूसरों का भी टाइम खराब कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। उचित बात करिए और कम बात करिए। बहुत बार तुम्हें कोई कुछ बहुत वस्तु देता है, उसे लेकर चुप ना बैठो, कम से कम उसके उसे धन्यवाद अवश्य कह दो, है ना। कोई हमें कुछ देता है, कोई उपहार देता है, कोई वस्तु देता है, कोई काम हमारी हेल्प करता है, तो उसके लिए हमें थैंक यू या धन्यवाद बोलना चाहिए। ऐसा ना कहोगे तो तुम असभ्य समझे जाओगे। लोग समझ रहे इसने धन्यवाद भी नहीं बोला यार, एहसान मानना तो दूर है ना, तो कम से कम हमें धन्यवाद बोल देना चाहिए। कुछ लोगों की बोलचाल में धोखा दिया रहता है, धोखा यानी बोलचाल अच्छी है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें धोखे वाली बात होती है। मीठी मीठी बातें करके वे दूसरों को बहकाया करते हैं, अपना विश्वास जमाकर वे अचानक विश्वासघात कर देते हैं, यानी कि धोखा दे देते हैं। पहले खूब विश्वास जमा लेंगे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे सगे हैं, तुम्हारे पक्के मित्र हैं, ये है वो है ना, लेकिन बाद में जब कोई काम पड़ता है या तुम्हारा बुरा समय आता है या उनका कोई काम निकलता है तो तुरंत तुम्हें धोखा दे देते हैं। ऐसी बोली पर भी ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, तो भारी हानि पहुंचा देते हैं ऐसे लोग। ऐसी मीठी बोली को तो मीठा जहरी समझना चाहिए, इससे सदा सावधान रहिए। और देखो क्या इसमें बता रहे हैं अध्यापक जी, लिखा है कि मनुष्य की तो बात ही क्या, पशुओं को भी मीठी बोली प्रिय होती है। बोलते समय सदा ध्यान रखो तुम्हारी बातों से दूसरों के मन को चोट ना पहुँचे। कुछ बच्चे दिन में अनेक बार गालियाँ देते हैं, ज़रा सोचो तुम्हें कोई गाली दे तो कैसा लगेगा, है ना। हमें गाली दे हमें बुरा लगता है, नहीं गुस्सा आता है। ऐसे जब हम दूसरों को गाली दे के बात करते हैं तो उसको भी जरूर बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा। दूसरों को भी तो गाली तुम्हारी तरह बुरी लगेगी, इसलिए इस बुरी आदत को तुरंत छोड़ दो, यानी गाली देना, कड़वा बोलना, ये सब छोड़ दीजिए। मीठी बोली से दोबारा लाभ होता है। अगर आप किसी प्यार से बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, दोबारा आपके काम में आ सकता है, आपकी बात सुनेगा, है ना, आपका सम्मान करेगा। ये सुनने वाले को तो अच्छी लगती ही है तथा बोलने वाले के मन को भी शांति मिलती है। कड़वी बात कहने पर बोलने वाले को भी पीछे से पछतावा होता है, यानी कि हम कह तो देते हैं जल्दीबाजी में, क्रोध में आकर, लेकिन बाद में पछताना पड़ता है, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और देखो क्या बताया गया एक बात याद रखो, जिस प्रकार कमान से छूटा हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, उसी प्रकार मुँह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं लौटते। इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझ के, बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए। कहते ना, पहले तोलो फिर बोलो। तो कभी कभी अपनी कही हुई एक अप्रिय, यानी कि जो अच्छी ना लगने वाली बात है, उस अप्रिय बात के लिए जीवन में पछताना पड़ता है। इसलिए जो कुछ बोलो सोच समझ कर बोलो। बहुत ही सुंदर देखो कहानी, ये आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हमें बहुत ही कुछ सिखा रही है। और देखो लिखा है कि हमें ईश्वर की दी हुई हर चीज़ का सदुपयोग करना चाहिए। अपनी बातों से तुम दूसरों को नेक सलाह दे सकते हो, दुखी पीड़ित लोगों को सांत्वना, यानी कि उसको धीरज बंधा सकते हो, सांत्वना दे सकते हो। अब किसी को कोई दुख है, परेशानी है, आप भजा के हंसी मजाक करो, है ना, उसकी उसको प्रताड़ित करने वाली बात करो, उसको जलाने वाली बात करो, तो देखो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमें माहौल को देख के बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। देखो लिखा है, देखो मैंने कौए कोयल की बात आपको स्टार्टिंग बताई थी। कोयल और कौआ दोनों एक जैसा काला रंग होता है दोनों का। कोयल मीठी बोली बोलती है, उसकी सब प्रशंसा करते हैं। कौए की कर्कश होता है, तीखी बोली होती है, काँव काँव को कोई नहीं सुनना चाहता। यह सब कुछ मीठी बोली का जादू ही तो है ना, कि कोयल को सब पसंद करते हैं, कौए को कोई पसंद नहीं करता। देखो इसमें टीचर्स जो टीचर हैं कहानी बता रहे हैं, वो पूछ रहे हैं बच्चों को, समझा रहे हैं कि देखो बुरे वचन बोलने वाला कितने ही सुंदर वस्त्र आभूषण पहन ले, मतलब अगर वो बोलना उसको नहीं आता है ठीक से, उसकी बाड़ी में रस नहीं है कहने का मतलब, है बोलने की तहजीब नहीं है, भले ही चाहे कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी सुंदर हो, हेयर स्टाइल बढ़िया हो, कपड़े बढ़िया हों, घड़ी है हाथ में, अंगूठी पहने हुए, मोबाइल बढ़िया वाला आईफोन है, कुछ भी हो, कोई उससे अच्छा मानने को तैयार नहीं होगा। सब ये कह रहे हैं जो बेकार का आदमी से बोल रहे तक की तमीज नहीं है यार, है सब ऐसा कहते नहीं कहते हैं। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से हमें बहुत समझ कर बोलना चाहिए। अच्छी बोलचाल से ये मनुष्य सुंदर बनता है। संस्कृत के कवि भर्तृहरि ने अच्छी वाणी को ही
मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आभूषण बताया है। और देखो लिखा है, इसलिए बचपन से ही अच्छी बोलचाल का अभ्यास डालो, यानी कि अभी से हमें अच्छा बोलने का, अच्छी बातें करने का हमें अभ्यास करना चाहिए, आदत डालनी चाहिए। जो कुछ बोलो सोच समझ कर बोलो। कितनी अच्छी देखो इस चैप्टर में, इस पाठ में हमें बातें सीखने को मिली। ऐसे कोई सीख मिलती है, लिखा है प्रस्तुत अवतरण से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी बोलचाल को शिष्टता, आदर सूचक, कर्ण प्रिय यानी कि कानों को अच्छी लगने वाली, विनम्रता आदि गुणों से अलंकृत इनकी सजा कर रखना चाहिए, सजा कर करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है अब आप थोड़ा समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, और हम आपसे ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे से आप जब भी बोलेंगे, जिसके सामने बोलेंगे, बहुत ही प्यार से, धीरे से और मिठास भरी बातें बोलेंगे, अच्छी बातें बोलेंगे, गाली कभी किसी को नहीं देंगे, किसी से भद्दा नहीं बोलेंगे। ऐसे हम आपसे उम्मीद करते हैं। आपकी कहानी कैसी लगी, पढ़ाने का ढंग कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा, जिससे हमें और उत्साह मिले और हम आपको और अच्छा समझाने का प्रयास कर सकें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल को जरूर अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ऐसी अच्छी कहानियाँ, ऐसी अच्छी सी पढ़ाई आपको चैनल के माध्यम से मिल सके। अगली वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।